आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। देश में लगातार अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जनपद फतेहपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष श्री राम पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से देश की जनता में आक्रोश है। द्वारा सेना का प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। हमारे नौजवानों को जब सर भर्ती होते हैं सेना में, वही जाता है जो देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करना चाहता है जरूरत पड़ने पर। और 4 साल की नौकरी देके, 4 साल की संविदा में नौकरी देके उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 साल के बाद क्या करेगा वो? देश की सुरक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। और देश तो बेचे रहे और अब सेना को भी बेच रहे हैं। प्राइवेट अपने प्राइवेट जो उद्योगपतियां हैं उन्हीं के सुरक्षा कर्मी के रूप में युवा इस समय आक्रोशित है। आम आदमी पार्टी योजना का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी इस योजना का विरोध करते हुए ये चाहती है कि इस योजना को समाप्त किया जाए, जो भी भर्ती की जाए रेगुलर भर्ती की जाए और स्थायीकरण किया जाए। न पेंशन है न कुछ है, किसी भी समय उसकी हत्या हो सकती है। सेना में शहीद हो जाएगा तो क्या होगा, उसके परिवार को क्या होगा? क्या नाम है? मेरा राजनीति, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं मुद्दा बना रही है, या आम युवा बना रहे हैं इस मुद्दे को। आम युवाओं की आवश्यकता है, उन्हें नौकरी नहीं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 साल में कोई नौकरी होती है क्या? 17 साल से 21 साल के लड़के को नौकरी आप 4 साल के लिए देंगे, वो बर्बाद हो जाएगा। 5 साल के बाद क्या करेगा? 4 साल के बाद कहीं उसको रोजगार का अवसर है न? वो अपना कोई व्यवसाय कर सकता है न कुछ कर सकता है। हाँ, वो बताया जैसे कि उद्योगपतियों का नौकर बन जाएगा, गार्डी करेगा जाके, और वहाँ शहीद हो गया तो भी कुछ न पेंशन है उसके परिवार को, न फंड है, न कोई सुविधा है। 10-5 लाख रुपए में क्या होता है? 21 हजार से शुरुआत कर रहे हैं आप। 21 हजार चपरासी को नहीं मिलता है, 21 हजार चपरासी को इससे ज्यादा मिलता है।